तो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अजमा भी रेडी हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं आपा के साथ मार्केट जाने वाले हैं, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। फरदीन का मतलब विंडो में खड़े रहकर बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी करो, तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं। दो बड़ी गाड़ी का नाम है तो मैंने ये वाले ही वेयर किए हैं, क्योंकि सामने ही मिल गए तो ले लिए। और यहाँ पर अजमा भी रेडी हो चुकी, जल्दी चल जाओ, मुझे छोड़ जा, 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 जा। चलो इंटेलिजेंट लगा लियो हुआ था स्लो खरीद। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं आपा और अजमा निकले हैं मार्केट के लिए, और साथ में भाईजान भी हैं, क्योंकि भाईजान जो है अपने हॉस्पिटल के काम से जा रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल में उनको उनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना होता है, क्योंकि उनको किडनी प्रॉब्लम है। शायद से मैंने पहले कभी नहीं शेयर किया, आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनके साथ भी जा रही थी और मुझे ना उनके लिए दुआ भी करानी थी। आप सभी लोग भाईजान के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएँ करना, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो। वैसे वो ठीक हैं, अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी उनके साथ कुछ नहीं है। अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे, ऐसे ही फिट एंड फाइन रहे और ऐसे ही हमेशा हेल्दी रहे। तो बस उनके लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द जो भी उनका प्रोसेस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, भाईजान को छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पर मार्केट आए, तो मार्केट जैसे पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और बारिश से आपको है एलर्जी। तो एक छाते में हम 3 लोग जा तो नहीं सकते थे, तो यहाँ पर बैठे हैं कार में। जैसे बारिश रुक जाएगी तो हम लोग जाएंगे, तो अभी वेट ही कर रहे हैं कि बारिश रुके। तो बारिश जैसे ही रुकेगी वैसे हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लेना था। वैसे आए थे हम लोग मेरे ही काम से, मैंने ही आपा को बोला था कि भाईजान जैसे वेनसडे जाते हैं, तो मैंने आपा से ट्यूसडे का बोला था, आपा ने एक काम करते हैं वेनसडे जो है भाईजान को हम लोग छोड़ देते हैं, तो वहीं से हम लोग मार्केट जाते हैं। तो फिर इसी वजह से मैं और आपा यहाँ पर आए हैं और कार में बैठे हैं, बारिश हो रही है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते थे, तो सब मिलकर टाइम पास कर रहे हैं। मैं, आपा और अजमा सेल्फीज़ खिंचा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। यही पल होता है जब साथ में मिलते हैं तो इन्जॉय कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी देखिए बारिश रुकी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जाएंगे। और यहाँ पर ना मार्केट आने के बाद हमें पता चला कि थोड़े जो शॉप है वो बंद थे, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आए थे, 3:30-4:15 का टाइम था। घर से 3:30 निकले थे और यहाँ पर पहुँचते 4:15 हो गए थे, तो बहुत ही जल्दी आए थे। और यहाँ पर ना वैसे भी दुकान जो है जल्दी
मतलब 4 बजे तक खुलते नहीं हैं, तो इसी वजह से वेट कर रहे थे और अभी पहुँचे हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, जो भी जितना भी हो सकता है उतना मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे शॉप जो है बंद ही हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए हमें एक छोटा सा झटका लगा, जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग गिराई गई थी और मुझे लगा कि जिस शॉप पर हम आए हैं, जिस जहाँ पर मुझे लाइनिंग वगैरह लेना है, वो शायद से शॉप बंद कर दी गई है। लेकिन वहाँ आगे जाने के बाद पता चला कि वो शॉप जो है अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, थोड़ी देर में खुलने वाली है। तो बंद बंद रहते हैं आज तक, कहीं पास बंद है, मेरे पति छोड़ते हैं ना। यहाँ एक वहाँ एक है ना, हाँ अंदर वहाँ हमें एक बार देखे थे क्या, तो चल देखेंगे। ये सब रेडीमेड है, कपड़ा नहीं है। वो क्या नमूना कर रहा है माँ, सुबानी क्या करे, येलो है क्या कपड़ा, येलो या बीच में करना, क्योंकि ऐसे फ्रिल है तो मैं चढ़े अभी ऐसे फ्रिल नीचे ब्लैक करे तो ये भी बॉडी भी इसकी चाहिए लॉकेट है, हाँ ये भी स्केच रिल बीच में और डिज़ाइन मिला रेयन का लॉक ना, कैसा अच्छा लगता, अच्छा खुलेगा ना है ना। दूसरा वहाँ देखेंगे आप कुछ है ना, ब्राउन ब्राउन दोनों के भी, वो बड़ी ब्राउन लेकर मैं जंगल जाना आज यहाँ है वाला लेस, बॉर्डर में बड़ा वाला लेस कपड़ों में लगाते हैं ना, आज आप चैलेंज करेंगे हां, हमारा कलर कलर से साफ है ऊपर भी, हां डेरा वाला करते हैं वो भाई कतरो भाव है भाई, हमारे 20 रुपए ले किलो बस पाव किलो एक आधा किलो अलग अलग लगा देखो पोती देख दिखाऊंगा खरको ला रहे कितना ना भाई, महंगे वो है वो सस्ते नहीं है
छूट ले अभी। यहाँ पर हमारी सब्जी खरीदना हो गया तो हम यहाँ पर अजमा के लिए स्कूल का कुछ असाइनमेंट बनाना है तो वो बॉल देखने के लिए अंदर की साइड पे आए हैं और यहाँ पर बॉल मिली ही नहीं रही थी जो साइज़ की हमें चाहिए थी। जैसे तैसे जो मिला वो लेकर आए हैं, पता नहीं अजमा के पापा क्या बोलेंगे। दो दुकान है। तो देखिए अभी सारी शॉपिंग ख़त्म करके हम आए हैं होटल, थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, क्या खाते हैं। तो भाईजान ने हमें सजेस्ट किया था कि नौतारा जाइए, वहाँ पर जाकर चाय वगैरह पीना। तो यहाँ पर आए हैं अभी, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा। क्योंकि हमारी हुगली जैसा, हमारे कर्नाटक जैसा यहाँ पर कितने से, मतलब कितना भी बड़ा अच्छा होटल रहे लेकिन वहाँ का टेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हमें वहाँ का टेस्ट, यानी कि डोसा वड़ा जो होता है ना, वहाँ का उपमा, ये सब कुछ वहीं का अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इतना मिलता है लेकिन इतना जैसा वहाँ का टेस्ट होता है यहाँ पर वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चाय नाश्ता हो गया है, तो यहाँ पर अभी निकले हैं। अभी भी फ़िलहाल बारिश जो है हल्की हो रही है, तो यहाँ पर आपा वेट कर रहे थे बारिश रुकने का। मैं और फरदीन बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, उतनी बारिश भी नहीं है, गाड़ी तक जा सकते हैं। लेकिन आपा कह रहे थे कि नहीं, गाड़ी तक जाने के लिए भीग सकते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर बाद में गार्ड का वेट कर रहे थे आपा, जैसे वो आए तो फिर उन्होंने आपा और अजमा को छाते में लेकर गए। फरदीन तो पहले ही चला गया और फिर मैं भी ऐसे ही चली गई, क्योंकि मुझे भी बारिश का मज़ा अच्छा लगता है, बारिश में थोड़ा हल्का भीगने के लिए। साढ़े तीन
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं डीजल डलवाने के लिए। और यहाँ पर ना जाते हुए फरदीन से, फरदीन बोल रहा था कि सीधा हॉस्पिटल चलते हैं, तो फिर मैं, आपा और अजमा ने फरदीन से कहा कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जा, क्योंकि हम लोग कहीं ज़्यादा बाहर जाते नहीं, अभी मिले हैं तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर लेकर जा, क्योंकि भाईजान का डायलिसिस होने में अभी भी बहुत टाइम था, क्योंकि आपा वहाँ पर, मतलब भाईजान के पास अभी 2 घंटे रहते हैं तब जाकर आपा बैठते हैं, तो फिर अभी भी टाइम था, तो फिर हमने कहा कि थोड़ा सा घुमा फिरा कर ले जाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फरदीन ना एकदम स्पीड पे चला रहा था, तो मैं, आपा और अजमा बोल रहे थे कि थोड़ा सा धीरे चला, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है घर जाने की, थोड़ा सा अभी कभी कभार ही हम लोग निकलते हैं, तो थोड़ा सा धीमे चलाना और आराम से ले जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में जाकर बैठना ही है। तो फिर यहाँ पर उसको बोल रहे थे, तो ये हमें चिढ़ा रहा था, एक बार स्लो में लेकर जा रहा था, थोड़ी देर के बाद वो एकदम हाई स्पीड में ले जा रहा था, तो वही यहाँ पर बोल रहे थे हम लोग उसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, तकरीबन 6:30 बजे हम लोग यहाँ पर आए हैं और 8:30 बजे तक हमें यहाँ पर बैठना है। और मैं पहली बार आई हूँ, मैं और अजमा यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर आज ना भाईजान को सामने वाली ही जो बेड है वो मिली थी, तो यहाँ पर आपा वही बोल रहे थे आज पहली बार हमें ये बेड मिली है, तो आपा और भाईजान के लिए और बाकी जो भी यहाँ पर है ना, इन सब के लिए सल्यूट है, क्योंकि 4 घंटे एक बार मतलब आते हैं, तो 4 घंटे लेटे रहना भाईजान के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, आपा को भी बाहर अकेले बैठना पड़ता है, कभी कभार उनके साथ लेडीज़ होती हैं, कभी कभार नहीं होती हैं, तो सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये टाइम, लेकिन जल्दी से ये टाइम भी कट जाए, भाईजान जल्दी से अच्छे हो जाए, रिकवर हो जाए। तो अभी भाईजान को यहाँ पर शाम की चाय नाश्ता हो रहा था भाईजान को चाय चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर बाजू में ही कैंटीन थी, तो मैंने आपा से कहा कि मैं लेकर आती हूँ, तो यहाँ पर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने, जो कैंटीन वाले भैया थे, उन्होंने चाय दे दी है, अभी मैं ले जाऊँगी भाईजान को दे दूँगी, इसके बाद मैं, आपा और अजमा मिलकर इसी कैंटीन में बाद में आएंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि हमने जो होटल में हम गए थे वहाँ पर चाय नहीं पी थी, तो बस अभी यहाँ पर हम चाय पियेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए भाईजान के लिए मैंने चाय दे दी है और हम पियेंगे कॉफ़ी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है कॉफ़ी का, बस अभी कॉफ़ी आने वाली है, जैसे ही कॉफ़ी आएगी तो कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से उठकर जाएंगे भाईजान के पास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाईजान का डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, होटल में कुछ ले रहे थे पार्सल, तो यहाँ पर आपा और भाईजान ने हमारे लिए भी लिया, मैंने कहा कि मैंने कुकिंग करके, मतलब दोपहर में एक बार जब कुकिंग हो जाती है तो 2 टाइम की होती है, तो आपा ने कहा कि घर में जाकर रोटियाँ बनाने से अच्छा है यहीं पर सब कुछ ले लेते हैं दोनों घरों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है, कल जब मैं और आपा गए थे बाहर, मैं और आपा आजमा गए थे, तो थोड़ा सा व्लॉग जो है लंबा हो गया, मैं नहीं चाहती थी कि 2 पार्ट्स में करूं, क्योंकि डिवाइड करते करते ना व्लॉग जो है लंबा, मतलब व्लॉग तो छोटा हो जाता है, लेकिन दिन हमारे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जो पीछे के व्लॉग्स हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग को एक ही पूरा जो व्लॉग है, पूरा जो भी हमने दिन भर में किया है वो एक ही ब्लॉग में शेयर करते हैं, ताकि मुझे भी आसानी रहेगी नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करने में, मतलब अप टू डेट रहूँगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को इसी में शेयर कर देते हैं। तो चलिए, मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं तक का था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।